पुण्यातील जय महेश मंचातर्फे शनिवार दिनांक 15 जून रोजी विविध कार्यक्रमांनी महेश नवमी उत्साहात साजरी केली. यावेळी काढण्यात आलेल्या शोभायात्रेने सर्वांचे लक्ष वेधले होते. सकाळी यशोधन सोसायटी येथील मंदिरात शिव अभिषेक पूजन करून शोभायात्रेचा प्रारंभ करण्यात आला. सजवलेल्या रथात भगवान महेश, पार्वती माता व श्री गणेश यांची वेशभूषा केलेल्या बालकांची ढोलताशाच्या गजरात भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. यशोधन सोसायटी येथून निघालेल्या मिरवणुकीचा कोंढवा रोड शांतीनगर सोसायटी मार्गे साळवे गार्डन येथे समारोप करण्यात आला. मिरवणुकीतील उंट घोडे आकर्षणाचे केंद्र ठरले. यावेळी पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी झालेल्या महिला पुरुषांनी नृत्याचे सादरीकरण करून उपस्थितांचे लक्ष वेधले. या मिरवणुकीत समाज बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. साळवे गार्डन मध्ये आयोजित कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते महा एनजीओचे शेखर मुंदडा यांना सामाजिक कार्यातील योगदानाबद्दल JMM इन्स्पिरेशनल आयकॉन पुरस्कार तर कला व शैक्षणिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय यशाबद्दल CA भूषण तोषणीवाल यांना देखील JMM इन्स्पिरेशनल आयकॉन पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. प्रसंगी मनसेचे शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर, माहेश्वरी समाजातील अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती, JMMचे कमिटी मेंबर, समाजबंधू भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तसेच या कार्यक्रमादरम्यान 4 ज्योतिर्लिंगांचा इतिहास सांगणारी नाटिका देखील सादर केली. संस्कार समीक्षा अंतर्गत घेण्यात आलेल्या स्पर्धेच्या विजेत्यांना पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात आले. आरती व महाप्रसादाने कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली. नेटवर्किंग का जमाना है. संस्था की ताकत होते हैं अपने सदस्य. कोई भी संस्था हो उसका कर्तव्य बनता है कि अपने सदस्यों के बीच व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देना. इसी सोच के साथ हमने पिछले वर्ष JMM बिजनेस डायरेक्टरी लॉन्च की थी और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम इस बार है ना बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप लॉन्च करने वाले हैं. ये सोच है हमारी कि हमारे सदस्यों के बीच में व्यावसायिक संबंध बढ़ने चाहिए और नए अवसर का लाभ होना चाहिए. और मैं ये प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए सभी सदस्यों का योगदान लगेगा और ये प्रोजेक्ट के साथ जो भी जुड़ना चाहेंगे हम सबका स्वागत करते हैं और जिनको भी जुड़ना है वो हमारी कमेटी को जरूर संपर्क करें. इस बार JMM में हमने एक नई सोच लाई है कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए. इसी सोच के साथ इस वर्ष हम बच्चों और युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोत्साहित करने के और उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से एक इंडस्ट्रियल विजिट का आयोजन कर रहे हैं. इस विजिट का माध्यम से बच्चों को विभिन्न उद्योग का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा और एक्सपर्ट्स से सीखने का मौका मिलेगा. इसके डेट्स और एज ग्रुप के अनाउंस जल्दी होगी. और इस बार हमारे सभी सदस्यों की बहुत बड़ी एक मांग रही है जो अच्छी है. अपनी बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए क्रिकेट की हम लोग इस बार प्रतियोगिता लेने वाले हैं. अपने समाज के जय महेश मंच जो कि काफी एक्टिव है ये परिसर में और मैं उनका तीसरी बार मैं ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ. लेकिन आज का दिन मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज जय महेश मंच की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया और माहेश्वरी होने के कारण अवार्ड तो बहुत मिलते हैं, मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे. लेकिन समाज की तरफ से कोई पुरस्कार जब मुझे मिलता है तो मेरा समाज के प्रति दायित्व और बढ़ जाता है और मैं कोशिश करता हूं कि समाज के प्रति मैं क्या कर पाऊंगा. आप सब जानते हैं माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल में मैं पिछले 25 साल से जुड़ा हूं.
एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाली एक बहुत बड़ी संस्था महाराष्ट्र की है और वहाँ पे अभी मैं कार्याध्यक्ष करके हूँ, तो समाज में मेरा काफी संबंध आता है। जय महेश मंडल से और महेश नवमी के इस पावन पर्व पर गौरव हुआ, तो ये तो मैं भगवान महेश का ही प्रसाद मानता हूँ। तथा दूसरा एक अच्छा योग ऐसा आया आज कि एक तोशनीवाल ने दूसरे का परिचय करके दिया और एक भूषण ने दूसरे भूषण को स्टेज पे बुलाया, तो ये भी एक अच्छा योग है। मुझे जेएमएम, अभी मैंने सुना उसके बारे में, अध्यक्ष जी जब बता रहे थे तो कैसे कैसे अलग काम करते हैं समाज के विभिन्न घटकों के लिए, और तथा शेखर जी का भी मैंने स्पीच सुना, तो उनको देख के ये सब सुन के मुझे भगवद्गीता में का 17वां अध्याय का श्लोक याद आया। हाल ही में मैं वैसे श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी के हाथ से मेरा भगवद्गीता ज्ञान यज्ञ परीक्षा में, जो कि 18 अध्याय कंठस्थ करके बोलने की परीक्षा थी वहाँ, तो उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार शंकराचार्य जी के। मैं, या मेरा सौभाग्य है कि मैं आज जय महेश मंच की तरफ से आप सभी का आभार प्रकट करने आया हूँ। हालांकि आभार प्रकट करना यह सबसे कठिन काम है, क्योंकि जो सहयोग और जो सहायता आप लोगों से मिली है उसका धन्यवाद शब्दों से प्रकट करना बहुत ही मुश्किल है। आज इस पावन उत्सव में हमें विशेष अतिथि के रूप में हमारे समाज के इंस्पिरेशनल आइकॉन शिखर, मतलब पर्वत की ऊंची चोटी, जिनका व्यक्तिमत्व ही उनकी ऊंचाई की क्षमता के नाम पे है, ऐसे हमारे इंस्पिरेशनल आइकॉन शेखर भाऊ मुंद्रा, मैं आपका आभारी हूँ। हमारे दूसरे जेएमएम इंस्पिरेशनल आइकॉन श्री भूषण जी तोशनीवाल, जिस तरीके से आपका सफर रहा है यह शेर मुझे याद आता है, मैं डरा नहीं फासला देखकर मंजिल तो खुद ब खुद चली आई मेरा हौसला देखकर। भूषण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।